Hello students, good morning everyone. Right? Now welcome in the session of Cell, the Unit of Life Part 5. बच्चों, अब तक के चार वीडियो में हमने पूरा प्रोकैरियोटिक सेल और सेल का इंट्रोडक्शन कवर किया है. अभी प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया, फंगी, अल्गी, हर सेल के अंदर जो कॉमन कंपोनेंट है वो आज हम देखने वाले हैं, जो हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर, प्लाज्मा लेमा, माने बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. आज इस वीडियो में पूरा हम कवर कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s के बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के एक्चुअल डिस्कवरी हुई, इन्वेंशन हुआ, बहुत से रिसर्च शुरू है, तब इसका डिटेल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया. टिल दैट टाइम देयर वर सो मेनी बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस. सबसे पहले केमिकल इन्वेस्टिगेशंस हुए. केमिकल इन्वेस्टिगेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द ह्यूमन आरबीसी. देखो मैंने आपके लिए स्केच किया ह्यूमन आरबीसी, जो हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आपने पढ़ा है. सो हियर दिस एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स एनेबल्ड द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. लिपिड और प्रोटीन के लेयर से बनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये केमिकल इन्वेस्टिगेशंस में समझ में आया. लेटर ऑन बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस proves that this plasma membrane is not only made up of lipids and proteins, but it also contains carbohydrates. It also contains cholesterol. So, ये पूरे components बाद में धीरे-धीरे ध्यान में आए. And after discoveries and studies of different plasma membranes in different cells, it was proved that the ratio of these lipids and proteins and lipids, इसका रेशियो हर सेल में अलग अलग होता है. दिस रेशियो दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स इन द ह्यूमन आरबीसी इज अबाउट 52% एंड लिपिड्स 40%. ये आपको ध्यान में रखना है. क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है. आपको क्वेश्चन पूछते हैं एनसीईआरटी में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोटीन्स टू लिपिड्स इन द ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स. सो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स और आरबीसीज proves that the RBC biomembrane or plasma membrane consisting of 52% of proteins and 40% of lipids. Later on, detailed structure of plasma membrane was given by Nicholson and Singer in 1972. Nicholson and Singer ने ये जो model है plasma membrane का explain किया, ये बहुत complex model है बच्चों. Actual हमको plasma membrane अभी consider करते हैं, look at this, is a cell. मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये दो लेयर से बनी है. अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो ऐसे दो लेयर, फिर और एनलार्ज की इसकी लेंस तो ऐसे दिखते हैं ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, सॉरी लिपिड के मॉलिक्यूल्स, फिर ऐसे बीच बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, फिर लिपिड मॉलिक्यूल्स. तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जिसको मैं अभी आपके सामने एनलार्ज करके दिखा रहा हूं. राइट स्टूडेंट्स, नाउ अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन डिटेल. हर एक सेल में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर होती है, एनिमल सेल में ऐसे बाउंड्री लाइन होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा लेमा, हैविंग थिकनेस अबाउट 75 to 100 angstroms. आप 75 angstroms ध्यान में रख सकते हैं. नाउ डिटेल स्ट्रक्चर एंड डिस्कवरीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लुक्स लाइक दिस. देखो इतना सिंपल नहीं है ये जो सेल में आरबीसी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कवर की गई थी, उसका केमिकल कंपोजिशन था. बाद में 1972 में दो साइंटिस्ट हुए, सिंगर एंड निकोलसन. सिंगर और निकोलसन ने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखी तो उनको नजर आया कि अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सिंगल लाइन है नहीं, ये डबल लाइन है, ये ऐसे डबल 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 मेम्ब्रेन में दिख रही है. तो उन्होंने इसको नाम दिया. और ये बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, देखो गोल 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 गोल, लाइक राउंड शाबुदाना, पता है आपको शाबुदाना, उसके कैसे गोल राउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लोब्यूल्स, वैसे गोल 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 ग्लोब्यूल्स है. और ये ग्लोब्यूल्स के दो लेयर है तो बाय लेयर बन गई. ये ग्लोब्यूल्स के मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स और फॉस्फोग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स के दो लेयर, प्लस प्रोटीन बीच बीच में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है. तो इसको उन्होंने नाम दिया ट्राइलैमिलार क्वासी फ्लूइड मोजेक मॉडल. नाम ध्यान में रखना.
According to Nicholson and Singer, the structure which was discovered by plasma membrane has, or it is named as trilamellar quasi-fluid mosaic model. का मतलब क्या है? Trilamellar मतलब तीन लेयर. इसमें तो ये लिपिड के दो लेयर हो गए और बीच-बीच में प्रोटीन प्रोटीन की एक लेयर बन गई. So trilamellar quasi-fluid mosaic model. Mosaic मतलब like a tiles. यहां पे क्वासी फ्लूइड मोजेक मॉडल का हम या मीनिंग ऐसे कंसीडर कर सकते हैं. देखो आप ये राउंड 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 फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स है, ऐसे दिख रहा है कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का पूरा ऐसे ओशियन है ओशियन, और बीच-बीच में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स ऐसे उसके ऊपर फ्लोट हो रहे हैं लाइक आइसबर्ग्स. आप इसको और भी इमेजिन कर सकते हैं लाइक गुलाब जामुन. गुलाब जामुन जलेबी का भाई, गुलाब जामुन खाते हो ना? तो गुलाब जामुन जब बनाते हैं ना तो देख रहे हैं एक लार्ज वेसल, वेसल में पाक बनाते हैं शुगर सॉल्यूशन, और उसमें वो भी जो राउंड पार्टिकल्स होते हैं गुलाब जामुन डालने के बाद जैसे वो वाटर सॉक करता है तो गुलाब जामुन ऊपर आके फ्लोट हो जाते हैं. ऐसे यहां पे ये मेम्ब्रेन के ऊपर गोल 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 मॉलिक्यूल्स फ्लोट हो रहे हैं फ्लोट, एंड दीज आर लिपिड मॉलिक्यूल्स. हियर वी कैन से इट एज फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स और फॉस्फोग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स. तो अब हम डिटेल में जाते हैं. According to Nicholson and Singer, plasma membrane is made up of lipid bilayer, phospholipid bilayer consisting of specific proteins. Depending upon ease of extractions, कुछ proteins ऐसे हैं बहुत superficial ही ऊपर का ऊपर वो easily निकाल के आ सकते, separate कर सकते हम. So depending upon ease of extraction, it consists two types of proteins, दो type के proteins हैं. Peripheral proteins and integral proteins. Peripheral proteins that can be separated easily and present at the periphery, while integral proteins are either partially buried or completely buried. देखो ये integral protein बहुत सारा अंदर है, ये membrane के अंदर वाले हिस्से में घुस गया और थोड़ा बाहर है. ये protein तो पूरा दोनों layer के बीच-बीच में है पूरा. So these types of integral proteins are again of two types. Maybe again partially buried or completely buried proteins. Completely buried proteins are called tunnel proteins. Or these are also called transmembranous proteins that can be observed from both the sides of this plasma membrane. Matlab plasma membrane ki ye side se bhi dikhta hai aur ye side se bhi dikhta hai aise pura protein. These are called integral proteins or completely buried proteins, tunnel proteins, right? Proteins mein kuch channels hote hai for transport of different types of ions. बाद में हम फंक्शंस में डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ लिपिड बायलेयर. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्म बाय टू लेयर्स ऑफ दिस लिपिड मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड बायलेयर. ईच लेयर, ये एक लेयर ये दूसरी लेयर, ईच लेयर इन द फॉस्फोलिपिड बायलेयर कंसिस्टिंग लार्ज नंबर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स. लुक एट द सिंगल मॉलिक्यूल, हर एक लेयर में गोल 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 मॉलिक्यूल्स ऐसे कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल और फॉस्फोग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स. अब एक मॉलिक्यूल का डिस्क्रिप्शन, ये पूरे लेयर में से एक मॉलिक्यूल उठा के यहां पे रख दिया आपके लिए. आप समझ लो कैसे होता है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल. ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैज राउंड ग्लोबुलर हेड, ग्लोबुलर ग्लोब्यूल्स, राउंड ग्लोबुलर हेड. दिस हेड हैज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन. ये हेड को पानी वाटर बहुत पसंद आता है. सो दिस इज हाइड्रोफिलिक हेड. सो ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय टू पार्ट्स, हेड एंड टू टेल्स. हेड इज राउंड ग्लोबुलर वाटर एब्जॉर्बिंग हाइड्रोफिलिक पोलर हेड डायरेक्टेड आउटवर्डली. हर लेयर में, ये लेयर में हेड ऊपर 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 है, ये लेयर देखेंगे हेड नीचे, क्लियर, टेल अंदर है. सो इन ईच लेयर हेड इज डायरेक्टेड आउटवर्डली. Each molecule consisting of two tails. दो दो tail है एक एक molecule के. And this tail is hydrophobic tail. Tail को water पसंद नहीं है. Tail are water repelling. That's why called hydrophobic tail or non-polar tail directed inwardly. So head is directed outwardly. Tail are directed inwardly. This type of arrangement, IC arrangement क्यों है? Why? These lipid molecules are arranged in such a way that head is directed outwardly, tail is directed inwardly. Why? In order to protect this tail. Tail जो है ना, tail is made up of saturated hydrocarbons. ये tail कैसे बनी है? Saturated hydrocarbons से.
टेल को पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप इमेजिन करते हैं तो देखो ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर भी पानी 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 है, अंदर भी पानी 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 है, पानी के डायरेक्शन में हेड, पानी के डायरेक्शन में हेड, टेल अंदर वाली डायरेक्शन में। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लिपिड बायलेयर इज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द हाइड्रोफोबिक टेल फ्रॉम द एक्वियस सॉल्यूशन, एक्वियस मीडियम प्रेजेंट आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल। ये सेंटेंस आपको एनसीईआरटी का एज इट इज ध्यान रखना है बच्चों। व्हाई दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लिपिड बायलेयर इज फाउंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द हाइड्रोफोबिक टेल फ्रॉम द एक्वियस मीडियम प्रेजेंट आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल, बिकॉज दिस टेल are hydrophobic, do not like water, and these are made up of saturated hydrocarbons. These are non-polar tell. So this is total arrangement. अब इसमें बीच बीच में cholesterol के molecules भी होते हैं। यहाँ पे darkly मैंने present किया है ये cholesterol molecules। यहाँ explanation कहीं दिया नहीं आपको, लेकिन question पूछते हैं। Lipid bilayer also consists in some amount of cholesterol molecules. So this is about entire structure of the cell membrane or plasma membrane given by Nicholson and Singer in 1972. Now about functions of plasma membrane. Right, now before to understand different functions of plasma membrane, let us try to understand these two terms. What is fluidity and what is amphipathic? Fluidity, plasma membrane ka fluidity measure karte matlab kya hai? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पूरे लाइंस में देखो ऊपर भी नीचे भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है ना प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स ऊपर के ऊपर ऊपर के ऊपर ऊपर के ऊपर फ्लोट होते हैं। नीचे वाले लाइन के ये लेयर के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नीचे का नीचे फ्लोट हो रहे, ऊपर का प्रोटीन नीचे नहीं आएगा, नीचे का प्रोटीन ऊपर नहीं जाएगा। एंड दिस इज मेजर्ड एज, मतलब इसका मतलब ऐसे है ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है ऊपर का ऊपर पूरा लैटरली फ्लोट हो सकते हैं, नीचे पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका ऑल थ्रू आउट द लेंथ। दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनेबल्स द लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑल थ्रू आउट इट्स लेंथ इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। अब मैं समझाऊंगा उसके बाद आपको समझ में आएगा। राइट, लेट अस कंसिडर, हम एक वेसल लेते, वेसल ग्लास का वेसल, और ग्लास के वेसल में क्या किया, छोटे छोटे प्लास्टिक के बॉल्स लिए, बॉल्स व्हाइट कलर के बॉल्स, वो डाल दिए। क्या होगा, वो बॉल्स पानी में फ्लोट हो जाएगी ना, अंदर नहीं जाएगी ना, प्लास्टिक की बॉल्स है। दूसरा रेड कलर के लार्ज बॉल्स लिए, प्लास्टिक के बॉल्स लिए, वो वापस वही पानी में वेसल्स में डाल दिए। अब होगा क्या, जिसको जैसी जगह मिली वैसे वैसे वो पूरे बॉल्स जो है पानी के ऊपर ऊपर फ्लोट हो जाएंगे। अब हमने अगर ये पानी मूव किया तो ऐसे हो सकता है क्या, कोई बॉल नीचे जाके बैठ जाएगा, कोई बॉल हवा में उड़ जाएगा, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। केवल वो जो बॉल्स है अपनी अपनी पोजीशन ऊपर का ऊपर ऊपर का ऊपर ऊपर का ऊपर ऊपर का ऊपर चेंज करेंगे, कोई बॉल नीचे नहीं जाके बैठेगा, ना ही तो कोई बॉल हवा में आएगा। क्लियर, वैसे यहां पे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऊपर के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऊपर, नीचे के नीचे, और पूरा लैटरल मूवमेंट हो रहा है इसका। दिस इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड this quasi fluid nature of plasma membrane enables the lateral movement of protein molecules all throughout its length is measured as fluidity of plasma membrane and this was given by Nicholson and Singer. Amphipathic ka matlab kya hai, dono twin, ye jo lipid bilayer hai lipid ke molecules hai isme dono nature hai, water absorbing hydrophilic head and water repelling hydrophobic tail. And as both the terms, both the things are present in this layer, that's why it is called amphipathic. Clear? Now come to the point about detailed functions of plasma membrane. Bachcho, jaise ki pata hai, humne tino video mein padha hai, plasma membrane ka specific function hai, bahut important function hai. That is about it act as selectively permeable membrane. Wo to aapko dhyan mein rakhna hai. Wo to main purpose hai. Plasma membrane act as selectively permeable membrane. It can allow some specific substances to enter into the cell and out of the cell. मतलब cell के अंदर कोई भी material जाना है, cell से बाहर material जाना है, तो कौन decide करेगा? Plasma membrane. Simply like a check post. किसी भी गांव में, city में कोई भी अगर हमको transport करना है, तो पहले check post पे check किया जाता है. जो material able है, उसको entry दी जाती है. जो unable है, उसको entry नहीं दी जाती है. ऐसे plasma membrane का काम. तो अब ये transport भी बहुत अलग-अलग तरीके से होता है. इसके अंदर ये ऐसे ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स हैं थ्रू डिफरेंट प्रोटीन्स। सो हियर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस थ्रू ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिंपली आपको केमिस्ट्री में टर्म्स हुए बच्चों, ऑस्मोसिस मतलब फ्लो ऑफ वाटर,
पानी सेल के बाहर से सेल के अंदर जा सकता है थ्रू द स्पेसिफिक आयन चैनल्स. ये जो है ना ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर से वाटर का फ्लो हो सकता है इजीली. एंड दिस फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट द ऑस्मोसिस. बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं दैट मे बी डिसॉल्व इन वाटर, वो पार्टिकल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. Simply, solid, liquid or gaseous substances that moves from its higher concentration to lower concentration is nothing but the diffusion and both of these are nothing but the passive transport. इसमें जब ये molecules का transport होगा तो कोई भी energy का utilization नहीं होगा. Without utilizing energy, this transportation of molecules takes place and this is nothing but the passive transport. So, osmosis, diffusion, passive transport. लेकिन कुछ मटेरियल है यहाँ पे और एक वर्ड आएगा विथ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. फिर भी ये टर्म आपको केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से क्लियर होगा. यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इजिली ये मटेरियल अंदर आ जाता है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज नथिंग बट द पैसिव ट्रांसपोर्ट फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट from higher concentration to lower concentration without utilizing energy, that is with the concentration gradients is called passive transport. लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि बाहर concentration कम है और अंदर ज्यादा है, इसके बावजूद कुछ molecule अंदर ऐसे खींच लिए जाते हैं. इसके लिए चाहिए energy in the form of ATP molecules. और ये sodium potassium का pump इस mechanism से होता है जिसको हम बोलेंगे active transport. So transport of materials across the plasma membrane against the concentration gradients is called active transport. Example, sodium potassium pump. ये आपको ध्यान में रखना है. Now, another way of transport is nothing but in the form of endocytosis and exocytosis. देखो बच्चों, plasma membrane जिंदा है जिंदा. मैंने जैसे first video में बताया ना आपको, cell living cell है, living cell जिंदा. जैसे हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, हम खाना खाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, वैसे पूरे एक्टिविटीज ये सेल के अंदर होने वाले. अब अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कोई पार्टिकल आ गया, फॉरेनर सेल आ गई, कंसीडर करो इसको हम कोई बैक्टीरिया बोल सकते हैं, सेल फॉरेनर सेल आ गई, ये भी जिंदा है, ये भी जिंदा है. जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब आ जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेंस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा पीछे हट जाती है. जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीछे हट गई, ये पार्टिकल और सामने आ जाता है, फिर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीछे आ जाती है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने ऐसे लार्ज वेसिकल बनाया, वेसिकल कैविटी, और अब ये पार्टिकल पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ग्रिप में आ गया, ग्रिप में. अब धीरे से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, दोनों साइड से ऐसे आउटग्रोथ बनाती है और इसको खा लेती है, स्वालो कर लिया. दिस प्रोसेस ऑफ एनगल्फिंग ऑफ जर्म पार्टिकल्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. मतलब मैं तुझे खा जाऊंगी. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, किसी भी फॉरेन मटेरियल को स्वालो कर लेती है, खा लेती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. क्लियर. एंडोसाइटोसिस वापस दो टाइप का होता है बच्चों, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस, मतलब खाना और पीना, सिंपल. अगर ये मटेरियल सॉलिड है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, और लिक्विड है तो पिनोसाइटोसिस. मतलब एंगल्फिंग ऑफ सॉलिड जंक पार्टिकल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस एंड ड्रिंकिंग ऑफ लिक्विड मटेरियल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस. जैसे ये पार्टिकल्स अंदर लेती है वैसे वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकालती है. कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. पूरा गार्बेज वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है, उसका से वेसिकल बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से आउटग्रोथ बनती है और ये वेसिकल यहां से बाहर निकल जाता है. दिस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस, रिमूवल ऑफ अनवांटेड और वेस्ट मटेरियल्स अक्रॉस और थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरसेलुलर जंक्शन. अलग अलग सेल के जंक्शन फॉर्मेशन में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट रोल होता है. इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सिक्रेटरी एक्टिविटीज ऑफ द सेल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल बाउंड्री नहीं है, हालांकि अंदर ये सेल के अंदर हम जो भी अभी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बाद में, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम्स, गॉल्गी बॉडीज, ये सबके लिए जो मटेरियल बनता है, सबकी जो मेम्ब्रेन बनी है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही मटेरियल से बनी है. So, plasma membrane also plays an important role in secretory activity.
एक्टिविटीज ऑफ द सेल दैट इज सिक्रीशंस आल्सो सेल डिवीजन और जैसे कि मैंने बताया सेल ग्रोथ सेल के पूरे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लगभग मैक्सिमम कंटेंट्स हमने इस वीडियो में कवर किए हैं. क्लियर बच्चों, आपको ये वीडियो में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जो हर एग्जाम के लिए इसके कंटेंट्स हमने कवर किए हैं. अगर आपको पूरा क्लियर होता है, ध्यान में आता है, तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. जो भी आपके कमेंट्स है, कुछ क्वेरीज है, आप इस वीडियो के नीचे मुझे पूछ सकते हैं.